वाड़ी पुलिस थाने अंतर्गत अमरावती राजमार्ग स्थित काटोल बाईपास टर्निंग पर एक तेज रफ्तार ट्रेवल्स ने ट्रक को ठोस मारने से यातायात तनावग्रस्त हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 5:30 बजे यह दुर्घटना हुई। खुराना एक्सप्रेस के ट्रेवल्स बस क्रमांक 40BG8783 का चालक शिवाजी था। वह सवारियों को लेकर नांदेड़ से अमरावती मार्ग होते हुए नागपुर आ रहा था, जबकि नागपुर से एक लोडेड ट्रक क्रमांक 40CN9517 का चालक सुनील कुमार सोना ने यह MIDC औद्योगिक परिसर के उज्जवल इस्पात नामक कंपनी का सामान भरकर आ रहा था। इस दौरान कटोल नाका चौक के टी पॉइंट पर तेज रफ्तार ट्रैवल बस अनियंत्रित हो गई और उसने ट्रक को साइड से जोरदार ठोस मार दी। इस दुर्घटना के बाद हालांकि ट्रक दूसरी दिशा में मुड़ गया, जबकि बस थोड़ी दूर जाकर ब्रिज के डिवाइडर पर चढ़ गई और पिलर को टकराई। इस हादसे के समय बस में करीब 22 पैसेंजर मौजूद थे। गनीमत रही कि इस हादसे में बस के ड्राइवर व कंडक्टर सहित एक महिला पैसेंजर को मामूली चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी पुलिस और MIDC यातायात पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में दाखिल करवाया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जिसके चलते अक्सर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साथ ही लोडेड ट्रक में कोई कंडक्टर मौजूद नहीं था। इस मामले में वाड़ी पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।